सारे बहुत बढ़िया। रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैंने भाई को कहा है, वो सब्जी लेके दे गए हैं, अभी वो जा रहे हैं। हाँ, ये रास्ता उजैर और अब्दुल्ला बना रहे हैं, और ये अली हमजा हैं। अभी बाहर आ गई देखने। देखो आप सब लोग, उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं गई थी बाहर गली देखने, हमने समझा था कि हमारी गली हमारे घर तक वो नहीं आएंगे, शायद आधी गली बनाकर वो छोड़ देंगे, लेकिन अब वो जो है ना पीछे से आधी गली उन्होंने सही कर दी है, मिट्टी डाल दी है ऊपर, और अब हमारे घर के आगे वो है ना वो आ रहे हैं। हाँ जी, तो अभी कुछ दिन की बात है, फिर अभी मैं नहीं निकल सकूंगी, लेकिन फायदा हो जाएगा जब पानी आएगा ना, फिल्टर वाला पानी, साफ पानी आएगा। तो अभी यह है कि एक हफ्ता लग जाएगा इसको ठीक होते होते। लुबना के साथ साथ मैं भी नहीं जा सकती, रास्ता इतना तंग है। हाँ जी, मैं तो जा ही नहीं सकती, लेकिन अम्मी भी नहीं जा सकती। हाँ, मुझे भी डर लगता है कि खड्डे में ना गिर जाऊं, फिसल ना जाए अम्मी, फिसल ना जाऊं। अभी कुछ दिन जो है ना घर में रहते हैं। हाँ, और ये है कि बस जब सैलरी आएगी तो फिर लेने जाना पड़ेगा, फिर तो फिर देखेंगे किसी ना किसी तरह। जाहिर है अब वो तो लेने जाएंगे, क्योंकि राशन वेशन खत्म है, वो तो लेना है। चले इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह करे कि कुछ रास्ता बन जाए। हाँ इंशाल्लाह। चले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहिए हमारे साथ। ये वाली सब्जी है जो मामू से हमने मंगवाई है, कद्दू और गोश्त मंगवाया है मुर्गी का। तो अम्मी सलाम कर ले। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बेटियों। ऊंचा थोड़ा। अस्सलामुअलैकुम, ऊंची आवाज जितनी निकलती है। मेरी प्यारी बेटियों, मेरी यूट्यूब की फैमिली, सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुशाबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमत हो आपके घरों पे, मेरी ये दुआ है। आमीन आमीन। और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने हूँ। आज अम्मी की फरमाइश पे बन रहे हैं कद्दू। कद्दू शरीफ ये तो खाते नहीं है, कद्दू शरीफ। मैंने कहा चलो आप वो खा लेना, मैं ये खा लूँ कद्दू। सब्जियाँ क्या करें, यही तो होती हैं फिर खाने के लिए। अम्मी चाय बना रही हैं, और ना मेरे सर में हो गया था दर्द, मैंने अम्मी को बताया तो अम्मी कह रही हैं चलो ऐसा करते हैं चाय पी के तो पेनाडोल खा लो, और साथ बिस्किट मंगवाए हैं, क्योंकि दोपहर को तो मैंने कुछ खाया नहीं है, सुबह का नाश्ता ही किया हुआ है, और अभी इस टाइम 4 बज रहे हैं। हाँ, अब्दुल्ला हाथ को दूध मंगवाया और वो नीडो लेकर आ गया। हमने कहा है वो एवरीडे लेकर आना, लेकिन वो नीडो लेकर आ गया। तो चलो इसी से ही 2 कप बना लेते हैं और गोली मैं खा लेती हूँ। मैंने कहा चलो गोलियाँ खा लेगी, ज़रा फ़ायदा हो जाएगा, ऐसे ज़्यादा हो जाएगा दर्द। और मैं जब तक फिर ना खाऊँ ना पेनाडोल, आराम भी नहीं आता मुझे, जब भी मुझे सर में दर्द हो। हम लोगों ने ये एक पैकेट पेनाडोल का जो है ना वो रखा होता है घर में, दवाइयाँ लेने जाती हूँ ना आँखों की, तो एक पैकेट ये भी ले आती हूँ। कि अचानक कभी ऐसा होता है कि रात के टाइम दर्द हो जाता है सर में अचानक, उसको दे दिए। हाँ, तो फिर यह है कि बंदा खा लेता है, आसपास किसी को ज़रूरत पड़ जाती है तो हम लोग ये घर में रखते हैं कि एमरजेंसी में। चलो कहवा रेडी हो गया, कप में डाल के ना फिर इसके ऊपर ही ऐसे वो डाल लेंगे दूध जो है ना। हमारा तो सिलेंडर अंदर, हमारा दूसरा वाला है ब्लू कलर का, इसका रेड कलर वाला है। 2 चम्मच काफ़ी नहीं? काफ़ी है, ये पूरा पैकेट जो है ना बस 2 कपों में डाल दें। ये है चाय, ये है बिस्किट, और ये गोलियां भी साथ ही हैं। पहले बिस्किट खा लेते हैं फिर खाते हैं पैनाडोल। ये देखिए सर में दर्द है आज, कैसे चेहरा भी उतरा हुआ है, कुछ भी नहीं है, शोखी। आज मेरा हाल थोड़ा बुरा है। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक रहमत करेगा।
थोड़ा सा कुछ इसको हो जाए तो मेरे तबीयत ख़राब होने लग जाती है। हम माँ बेटी तो हैं एक दूसरे का ख्याल रखने वाले। ये मेरे बिस्किट हैं और ये रुकना के पैकेट। यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही थी और जब भी मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ ना तो मैं लिपस्टिक लाजमी लगाती हूँ, तो आज मैं ऐसे ही वीडियो बना रही थी तो अम्मी ने मुझे फिर लिपस्टिक उठा के दी कि अम्मी कह रही हैं ये लो लिपस्टिक लगाओ, लेकिन अम्मी को कलर की समझ ही नहीं आई। लिपस्टिक जो है ना वो अम्मी दूसरी वाली लेकर आई हैं जिसका कलर बहुत ही ज़्यादा डल किस्म का है, न्यूड कलर है, और ऐसा जो कलर होता है ना वो बहुत गोरा बंदा हो ना उस पर अच्छा लगता है, लेकिन मैंने लगाया ना मुझ पर तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बल्कि उल्टा बुरा ही लग रहा था। उस टाइम तो मैंने लगा ली, फिर कुछ देर बाद मैंने रिमूव कर दी थी। स्टार्ट करते हैं। आज प्याज नहीं थे, कच्चे प्याज नहीं थे, तो फिर ये वाले प्याज रखे, ब्राउन प्याज राशन खत्म है ना इसलिए हर चीज़ खत्म हो ही पड़ी है, बस थोड़े से डालना है, महीने का एंड है। हाँ तो हर चीज़ बस खत्म हो गई है और बस हम लोग ना सैलरी का इंतजार कर रहे हैं, वो आएंगे तो फिर सब कुछ लेंगे इंशाल्लाह। घी भी पूरा है सही दिखा दो चम्मच हैं बस, प्याज हमने डाल दिया है, इनको तो पकाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ऊपर से ना ये डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। चिकन भी डाल देते हैं, हाँ थोड़ी सी भूनी ले दो ना, मैंने गोलियाँ खिलाई हैं ना और पैनाडोल बहुत सब सही कर गई हैं, शुक्र है अल्लाह का कि आप बेहतर है तबीयत है, अच्छी गोलियाँ जैसे खाओ वैसे सर का दर्द ठीक हो जाता है। हाँ मुझ पे तो कोई ये टोटके छोटके ना मुझ पे असर ही नहीं करते हैं, नहीं करते जब तक मैं गोली ना खाऊं, और मैं तो दो खाती हूँ तब मुझे जाकर असर होता है। दो ना खाया करो ना, अब एक ही खाया करो। नहीं वो मशहूरी में तो कहते हैं दो ही खा लो तो कोई बात नहीं, ज़्यादा हो ना तो मैं दो ही खा लेती हूँ कभी कभी, लेकिन ये है कि बस 20 मिनट तक बंदा सुकून से सोए ना फिर ठीक हो जाता है, शुक्र है अल्लाह का। आटा तो मैंने सुबह ज़्यादा गूंद रखा था, अब सिर्फ ये सालन बना के रोटी बना लेंगे। आज तो हमारे दरवाजे तक गली वाले आ गए हैं, आज तो दूध भी नहीं लेने जा सकता अब्दुल्ला। चिकन को भून कर ना तो उसमें सब्जी डाल दिया है, और मैंने अब्दुल्ला के लिए ना अलग से चिकन निकाल लिया है क्योंकि वो जो कहेगा मैंने कद्दू नहीं खाने वो कहेगा, तो इसलिए मैंने कहा उसके लिए अलग सालन निकाल के रख देती हूँ और फिर सब्जी डालती हूँ। ये हमारा सालन तैयार हो गया है, नीचे उतारे और इसको गरम मसाला भी ऊपर डाल दिया है। हरा धनिया तो मिला नहीं था, हरा धनिया नहीं मिला तो ऐसे ही आज सब्जी वाला आता नहीं, आप ऐसे ही गुजारे कर रहे हैं आजकल हम बस। चले अब रोटी पकाती हूँ। अपना सामने धरा, ये अब्दुल्ला हद का खाना जा रहा है, इसको भूख लगी है, कब से मांग रहा था रोटी। चलो मैं जाऊँ इसको देखो अंदर पानी दूँ। बस आज का व्लॉग इधर ही एंड करती हूँ, आज तबीयत सही नहीं थी तो सही तरह से व्लॉग बना भी नहीं पाई मैं, तो कल इंशाल्लाह अच्छा व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। कल मिलते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।